नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सारंजन और आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल द योर्सी फैक्ट न्यूज़ पर। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है, जो रेपिस्ट है उन पांचों को गिरफ्तार किया गया है, यानी अरेस्ट किया गया है। तो दोस्तों, उन पांचों में से एक लड़की है। तो दोस्तों, उनमें से चार लड़कों को मैं इनका फोटो दिखा देता हूँ, लड़की का नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इसका मैं दिखाना नहीं चाहता। तो आगे आप लोग देखिएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया, तो दोस्तों ये पांचों जो रेपिस्ट यानी कल्प्रिट्स है, ये पांचों जो है, ये सुनने में आया है कि ये बांग्लादेश से है। तो दोस्तों, रेपिस्ट या कल्प्रिट चाहे जहाँ से भी हो, कल्प्रिट्स ही होता है। मतलब कि ये एक ऐसी केस होता है दोस्तों, जो कभी मतलब कि इसमें रहम ही नहीं किया जा सकता हो, इस तरह का कि ये दोस्तों सज़ा होना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग जरूर बताएंगे कि इन लोगों के साथ क्या सज़ा होनी चाहिए। मुझे लगता है इन लोगों के साथ कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर साफ पर्सनली साफ शब्दों में बताया जाए, दोस्तों इन लोगों के साथ फांसी की सज़ा होनी चाहिए दोस्तों, ताकि आगे जाके फ्यूचर में या नेक्स्ट जनरेशन में कोई भी इस प्रकार की सोचने में मजबूर हो जाए। दोस्तों, मैं एक बात और बता दूँ दोस्तों, रेपिस्ट चाहे कहाँ भी हो, बांग्लादेश से हो, चाहे विदेश से हो, चाहे जहाँ से भी हो, इंडिया से हो, या तो अरुणाचल से हो, या तिब्बतन हो, या भूटानीज हो, या तो नेपाली हो, या चाहे जो भी हो दोस्तों, अपराधी होते हैं दोस्तों। अगर अपराध अलग अलग टाइप्स के होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अपराध होते हैं जो जिसको माफ़ किया जाने के लायक होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अपराध ऐसे होते हैं दोस्तों जिसको माफ़ करने का लायक ही नहीं रहता है। लेकिन दोस्तों, साफ शब्द में अगर मैं बता दूँ, ये जो अपराध है दोस्तों, माफ़ करने का लायक ही नहीं है दोस्तों। आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर बताओ इनके साथ क्या करना चाहिए। इस डेफिनेटली अगर साफ शब्द में फिर से मैं बोलना चाहूँगा, अगेन एंड अगेन, इन लोगों के साथ फांसी की सज़ा होनी चाहिए या नहीं, जाओ और कमेंट्स करके बताओ। और दोस्तों, मैं जाने से पहले एक बात और बता दूँ, जो वायरल वीडियो हुआ था दोस्तों, अगर आपके पास अभी भी मौजूद है, प्लीज़ उसको डिलीट कर दे। इसमें दो केसेस है दोस्तों, एक जो लड़की है वो हैंग फांसी होके वो मर गई थी दोस्तों, ये दूसरा लड़की है दोस्तों। इन दोनों में कंपेयर मत करो, दोनों केस अलग अलग है दोस्तों, इसका अलग है, वो इसका अलग है। अगर वीडियो अभी भी है आपके पास या फोटोज है, अभी डिलीट कर दो दोस्तों, अभी मत रखो, क्योंकि इसको फॉरवर्ड शेयर वगैरह मत करो, क्योंकि इससे और भी मतलब कि परेशानी हो सकते हैं, बाद में दिक्कतें आ सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि प्रॉब्लम हो दोस्तों, जितना हो गया हो गया, अब पकड़ा गया तो पकड़ा गया, बस आगे के प्रोसेस वो जारी रहेगा। दोस्तों, उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद है, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को जरूर दबा दीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपके पास पहुंचती रहे। तो मिलते हैं और एक वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।